हेलो यारों, क्या आप सफल होना चाहते हैं? अगर हाँ तो सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछिए कि सफल होने के लिए आपने दाव पे क्या लगाया। यारों, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। दो राज्य थे, एक छोटा राज्य और दूसरा बड़ा राज्य, और उनकी सीमाएं मिलती थी। अब छोटे राज्य के जो राजा थे उनको ऐसा मालूम हुआ कि जो बड़ा राज्य है उनका राजा 3 दिन बाद उनके राज्य पे अटैक करने वाला। तो ये जो छोटा राज्य है उनका राजा वो हक्का बक्का सा हो गया, वो डर गया, वो घबरा गया। उन्होंने तुरंत ही सेनापति को बुलाया और पूछा कि क्या ये बात सही है। तो सेनापति ने कहा कि जी हुजूर, ये बात सही है। 3 दिन बाद वो राजा अपनी बड़ी सेना लेके हम पे अटैक करेगा। तो राजा बोलता है तो अब क्या किया जाए। तब सेनापति कहता है कि महाराज, एक ही चॉइस है कि आज रात को हम अपनी सेना लेके उन पे अटैक कर दे। तब राजा कहता है कि आप पगला सा गए हैं क्या? हमारी छोटी सी सेना वो बड़ी सेना को टक्कर दे सकेगी? तो सेनापति बोलता है कि राजा जी, वैसे भी 3 दिन बाद हमारा मरना पक्का है, तो क्यों ना आज एक चांस लिया जाए। हो सकता है कि वो तैयारी में ना हो, हकड़ा बकड़ा हो जाए, हक्का बक्का सा हो जाए और हम जीत जाए। तब राजा बोलता है कि चलो, ये बात भी सही है। अब सेनापति अपनी सेना को प्रिपेयर करता है और बोलता है कि आज ही रात को हमें अटैक करना है। अब सारी सेना तैयार होती है। अब आगे सेनापति, पीछे उनकी सेना, और जो दो राज्य थे उनके बीच जो सीमाएं है उनके बीच एक तालाब था, एक नदी, और वो नदी से एक पुल जुड़ा हुआ था। पुल के ऊपर से छोटे राज्य से बड़े राज्य में एंट्री मारनी होती थी। तो अब जो सारी सेनाएं उन्होंने पुल पार कर लिया, तो अब क्या हुआ, जो सेनापति था उन्होंने वो पुल उनको जला डाला। जब पुल को जला डाला तो सारे जो सेना लोग थे वो सेनापति को पूछते हैं कि आपने पुल जला डाला, अब हम वापिस कैसे जाएंगे। तब सेनापति कुछ कहते हैं कि अब तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, एक या तो मर जाओ, दूसरा या तो मार डालो। यारो, क्यों? क्योंकि पुल तो जल गया था, अब वहां वो वापिस तो जा नहीं सकते। और अब जो सारी सेनाएं थी उनका जीवन दाव पे लगा हुआ था। और जब जीवन दाव पे लगा हुआ था तो उन्होंने ऐसे अटैक किया, आप मानो या ना मानो, वो सेना थी उन्होंने बड़े राज्य पे जीत हासिल कर ली। कहने का मतलब कि जब आप कोई बड़ी सी बात दाव पे लगा देते हो तो आपका भी सफल होना पक्का है। थैंक यू और बाय बाय।